This video is not made for kids. तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लैंडस्केप ऑफ द सोल चैप्टर को। कहानी शुरू होती है वू दायोजी से, जो कि एक पेंटर होता है। उसे उस टाइम के चाइना के एम्पायरर बोलते हैं, अरे वू दायोजी, तुम एक बहुत अच्छे पेंटर हो, जरा सुंदर सी सीनरी बना के दिखाओ पैलेस की वॉल के ऊपर। तो वू दायोजी ऐसा ही करता है। वो एक बहुत ही सुंदर सी पेंटिंग बनाता है पैलेस की वॉल के ऊपर, जिसके अंदर पहाड़ होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर सारी चीज़ें होती हैं। वो एम्पायरर को वो पेंटिंग दिखाता है। एम्पायरर बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं, वाह क्या काम करा है। लेकिन वो एम्पायरर को एक राज बताता है, बोलता है, महाराज इस पेंटिंग के अंदर जो ये गुफा दिख रही है ना आपको, इसके अंदर आत्मा रहती है, आत्मा। और वो जोर से अपने दोनों हाथों से क्लैप करता है, वो केव खुल जाता है। पेंटिंग के अंदर केव खुल रहा है और महाराज अपने सामने ये सारी चीजें होते हुए देख रहे हैं। वो दायोजी उस पेंटिंग के अंदर समा जाता है और आज तक वो दायोजी का कोई भी नामो निशान नहीं मिला। वो वहीं के वहीं पर गायब हो जाता है। ऐसी ना जाने कितनी सारी कहानियां हैं चाइना की क्लासिकल एजुकेशन बुक्स के अंदर। इन्हीं सब कहानियों से जो मास्टर यानी कि जो टीचर्स हुआ करते थे, वो अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर पाते थे राइट डायरेक्शन के अंदर। लोगों को आर्ट की अहमियत बताती थी ये स्टोरीज। तो यहीं पर एक और कहानी है जिसके अंदर एक पेंटर होता है जो कि ड्रैगन ड्रॉ तो करता है लेकिन कभी भी उस ड्रैगन की आइज नहीं बनाता। तो उस पेंटर ने ड्रैगन तो बना लिया था लेकिन उसकी आंखें नहीं बना रहा था। क्यों? क्योंकि उसे ये डर था कि अगर उसने उस ड्रैगन की आइज बनाई तो वो ड्रैगन उस पेंटिंग से बाहर निकल के उड़ने लगेगा। अब ये बात सुन के बहुत सारे लोगों को हंसी आ रही होगी, लेकिन पहले ज़माने में अपनी आर्ट को लेके, अपनी पेंटिंग्स को लेके लोग इतना सीरियस हुआ करते थे। 15th century की बात है, जहाँ पर एक अकॉम्प्लिश्ड ब्लैकस्मिथ था जिसका नाम था क्विंटिन मैट्सी। तो वो क्या था, वो एक पेंटर की डॉटर से प्यार करने लगता है। वो बोलता है, मैं बड़ा प्यार करता हूँ पेंटर की डॉटर को। जो पेंटर होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं, तुम एक ब्लैकस्मिथ हो, लोहार हो, मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें नहीं दूंगा, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं होने दूंगा। क्विंटिन एक दिन चुपचाप उस पेंटर के स्टूडियो के अंदर घुस जाता है। वहां पर वो देखता है, अरे वाह ये बड़ी सुंदर सी इन्होंने ड्राइंग बनाई है। तो वो उसके ऊपर एक नकली की मक्खी बना देता है और वो जो नकली की मक्खी होती है वो बिल्कुल असली लग रही होती है। जिन्होंने उस पेंटिंग को बनाया होता है वो मास्टर आते हैं, बोलते हैं, अरे ये मक्खी कहाँ से आ गई। उस मक्खी को मार के भगाने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये मक्खी तो किसी ने ड्रॉ करी है और वो समझ जाते हैं कि ये करामात क्विंटिन की है। तो वो क्विंटिन को बुलाते हैं और बोलते हैं कि आज से तुम मेरे अंडर ट्रेनिंग करोगे और क्विंटिन अब तुम मेरी बेटी से शादी भी कर सकते हो। इसी तरीके से क्विंटिन मेहनत करता रहता है और बहुत फेमस पेंटर बन जाता है अपने समय का। ऐसी ही जो कहानियां हैं इनसे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे आर्टिस्ट हुआ करते थे वो कितने परफेक्शन और इम्प्रेशन जो था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करा करते थे। अब जो हमने दो कहानियां सुनी, एक यूरोप की कहानी थी और एक एशिया की थी, और इन दोनों से ही हमें आर्ट के बारे में जानने को मिला। जो हमने चाइनीज स्टोरी सुनी उसके अंदर एम्पायरर अप्रिशिएट करता है दूर से पेंटिंग को देखकर और बोलता है, वाह वाह कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई है तुमने। लेकिन जो आर्टिस्ट होता है जिसने उस पेंटिंग को बनाया होता है वो उसका ट्रू मीनिंग दिखाता है अपने वर्क का। एम्पायरर पूरे देश के ऊपर राज करता है लेकिन जो आर्टिस्ट होते हैं वो उस पेंटिंग की हर एक छोटी छोटी चीज़ को जानता था, वो उस पेंटिंग की आत्मा को जानता था। यूरोपियन पेंटर जो थे वो चाहते हैं कि लोग उनकी जो पेंटिंग्स हैं वो उन्हीं की तरह देखें, उन्हीं की आइज से देखें। लेकिन जो चाइनीज़ पेंटर होते हैं
वो एक ही व्यू पॉइंट से कोई देखे ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि जिस तरीके से उन्होंने पेंटिंग को बनाया है लोग उसे उसी तरीके से देखें। वो तो ये चाहते हैं कि लोग जब उनकी पेंटिंग्स को देखें तो वो कहीं से भी देखें और उन्हें वो पेंटिंग के अंदर कुछ मीनिंग नज़र आए, यूनिकनेस नज़र आए। तो इसी तरीके से जो आर्टिस्ट थे दोनों, इनके बीच में हमें डिफरेंस भी पता चलता है, जो यूरोपियन आर्टिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं और जो हमारे चाइनीज़ आर्टिस्ट थे उसने क्या करा। उसने इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई कि वो उस पेंटिंग के अंदर खो ही गया। इसी आइडिया को एक्सप्रेस करती है शेंशुई। शेंशुई एक चाइनीज़ वर्ड है जिसका मतलब है माउंटेन वाटर। जहाँ पर पहाड़ मिल रहा होता है एक वाटर से, तो यहाँ पर फेमिनिन और मैस्कुलिन वाला कंसेप्ट है। ये पूरा बहुत ही डीप है, लेकिन यहाँ पर आपको यही समझने की ज़रूरत है कि शेंशुई का मतलब होता है माउंटेन वाटर। जो माउंटेन है उसे यांग माना गया है, जो कि बहुत ही स्टेडी है, वार्म है और ड्राई है, और वाटर को यिन माना गया है। वाटर कैसा है? फ्लूइड है, मॉइस्ट है, कूल है। तो जब माउंटेन और रिवर मिलते हैं तो जो उनका बीच वाला जगह हो गई जहाँ पर वो दोनों मिल रहे हैं वो एक बहुत ही वाइटल एलिमेंट है अकॉर्डिंग टू चाइनीज स्क्रिप्चर्स, चाइनीज बिलीव्स। तो उसी के बारे में बताया गया है इस चीज़ के अंदर। यहाँ पर आपको ये समझना है कि इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको योगिक प्रैक्टिसेस की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम लोग प्राणायाम बोलते हैं। तो ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं ये सब कौन करते हैं? जो साधु महात्मा लोग हुआ करते हैं, ये सब लोग करते हैं, मंक्स वगैरह करते हैं, तो वो इस चीज़ को अकॉम्प्लिश कर पाते हैं। तो बात करते हैं हम लोग जो चाइनीज़ लैंडस्केप है इसके अंदर क्या होता है कि एक वाइट अनपेंटेड स्पेस होता है जो कि डिपिक्ट कर रहा होता है इस वाले रीजन को। कौन से वाले रीजन को? जहाँ पर माउंटेन वाटर से मिल रहा होता है। तो इसी वाले रीजन को डिपिक्ट करने के लिए चाइनीज़ लोग क्या करते हैं? अनपेंटेड स्पेस छोड़ देते हैं, खाली सफ़ेद जगह छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट निकल के आता है जिसको इंट्रोड्यूस करा था एक फ्रेंच पेंटर जीन ने, जिन्होंने एक थ्योरी निकाली थी 1940s के अंदर आर्ट ब्रूट की। अब ये थ्योरी कौन सी है सर? मैथ्स वाली थ्योरीज की तरह तो नहीं है? नहीं, बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है ये। तो इस थ्योरी के अंदर उन्होंने ये बताया था कि जो क्रिएटिव थिंकर हैं, इन एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, आजकल वो बहुत फेमस हो रहे हैं। अब इसका मतलब क्या कि कुछ क्रिएटिव थिंकर इन एक्सपीरियंस्ड लोग वो हो गए जिन्हें कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, जिनके पास या फिर कोई एक फॉर्मल नॉलेज नहीं है उस टॉपिक को लेके। जैसे कि क्या कि अगर किसी को हम लोग ड्राइंग की क्लासेस ज्वाइन कराते हैं तो वो ड्राइंग की क्लासेस ज्वाइन करेगा, फिर उसको वहाँ पर ड्रॉ करना सिखाया जाएगा कि बेटा पहले रफ स्केच बनाओ, फिर उसके बाद फेयर स्केच बनाओ, फिर उसके अंदर कलर करो, इस तरीके से तुम्हें ड्राइंग बनानी है। लेकिन अगर कोई पर्सन है जिसके पास ये सारी नॉलेज नहीं है और वो खुद ही ड्राइंग बनाने में इंटरेस्टेड है, उसने क्या करा? उसने शुरुआत कर दी कि पहले तो मैं कलर भरूंगा, उसके बाद ड्रॉ करूंगा, उसके बाद उसकी आउटलाइन बनाऊंगा। तो वो बिल्कुल उल्टा स्टेप्स फॉलो कर रहा है, उल्टा प्रोसीजर फॉलो कर रहा है, लेकिन फिर भी उसकी जो ड्राइंग है वो बहुत अच्छी है। तो इसे ही बोलते हैं हम लोग आर्ट ब्रूट। वो लोग जिनके पास कोई फॉर्मल नॉलेज नहीं है, जिनको किसी ने भी नहीं सिखाया और वो खुद ही अपना दिमाग लगाकर काफ़ी इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव चीज़ें कर रहे हैं। इसी तरीके से जो जीन हैं उन्होंने हमारे इंडिया के एक बहुत ही फेमस पर्सन के बारे में बात करी है जिन्होंने बहुत ही यूनिक चीज़ करी। वो अनक्वालिफाइड थे लेकिन फिर भी एक बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट बने और एक बहुत ही अच्छा सा मास्टरपीस बनाया। वो थे नेक चंद जी। नेक चंद जी ने बहुत ही अमेजिंग काम करा है। वो अमेजिंग चीज़ थी रॉक गार्डन जो कि चंडीगढ़ के अंदर बनाया गया था। ये जो चंडीगढ़ के अंदर रॉक गार्डन है इसे बनाया गया है कुछ पत्थरों की मदद से और रिसाइकल्ड मटेरियल्स की मदद से। बिल्कुल सही सुना आपने, रिसाइकल्ड मटेरियल्स जो कि हम लोगों के लिए वेस्ट होते हैं, उन सब का इस्तेमाल करके नेकचंद जी ने बहुत ही प्यारी सी चीज़ें बनाई, डेकोरेट करा, और ये था कंट्रीब्यूशन इंडिया का सबसे बड़ा आउटसाइड आर्ट को। जो उनका रॉ विजन था उसे यूके की जो मैगजीन्स थी उन्होंने बोला, अरे वाह नेकचंद जी ने तो कमाल ही कर दिया, वुमन बाय वाटरफॉल क्या
बढ़िया सा स्कल्पचर बनाया है इन्होंने। इनकी जो आर्ट है उसे हम लोग बोलते हैं आर्ट ब्रूट या फिर रॉ आर्ट। क्या कमाल करा है, क्या दिमाग लगाया है इंडिया के शेर ने। तो इस तरीके से नेकचंद जी को पोर्ट्रे करा गया। ये बोला गया कि देखो नेकचंद जी ने कितनी क्रिएटिविटी लगाई। नेकचंद जी ने एक टीन के कैन से, मतलब जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी के फेंक देते हैं, उसका इस्तेमाल करने से लेकर जो गाड़ी के टूटे फूटे उर्जे पुर्जे थे उनका भी इस्तेमाल करके बहुत ही सुंदर सी आर्ट बनाई। इसको अप्रिशिएट भी करा गया स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को ने, और उन्हें ऑनर भी करा गया, मतलब बहुत सारे उन्हें अवार्ड भी दिए गए। बोला गया अरे वाह आपने तो कमाल कर दिया सर, खराब चीज़ों का इतना सुंदर आपने एग्जीबिशन कराया। द फाइव मंथ्स इंटरैक्टिव शो रियलम ऑफ नेकचंद बिगनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम्स इन स्विट्जरलैंड बेल्जियम फ्रांस एंड इटली। अकॉर्डिंग टू नेकचंद द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड इज सीइंग पीपल एंजॉय हिज क्रिएशन। तो नेकचंद जी के लिए सबसे जो अवॉर्डिंग चीज़ थी वो ये थी कि जो भी लोग उस क्रिएशन को देखते थे, जो भी रॉक गार्डन के अंदर आते थे, वो खुश हुआ करते थे। तो यहीं पर जो हमारा चैप्टर है वो ख़त्म होता है। दोनों पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, मतलब एक के अंदर हमें कहानी थोड़ा बहुत आर्ट की इंपॉर्टेंस बताई है, और सेकंड पार्ट के अंदर जो हमारा रॉक गार्डन है इंडिया का उसके बारे में हमें बताया गया है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा हो। इसी के साथ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तो यहाँ पर व्हाट डिड द आर्टिस्ट एग्री, मतलब व्हाई डिड द आर्टिस्ट एग्री टू गेट हिज डॉटर मैरिड टू द ब्लैक स्मिथ। अब जो एक हमने ब्लैक स्मिथ वाली लोहार वाली कहानी सुनी थी ना, उसके अंदर वो जो लोहार था, आखिर वो एग्री क्यों करता है अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए उस ब्लैक स्मिथ से। फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें और अपना आंसर दें। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें, तो आप हमारे चैनल के मेंबर बनके हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।